दोस्तों, कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं जो अपने सुंदर और सकारात्मक विचारों से जहां भी जाते हैं एक सुंदर ऊर्जा बिखेर कर ही आते हैं। उन्हीं में से एक हैं श्रीमती विभा वैद्य जी, जो एक सुंदर चित्रकार तो हैं ही, साथ में बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी हैं। अभी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग से चित्रकला की बारीकियां सीख रही हैं और तमाम ऐसे अवसर पर जाती हैं जहां पर चित्रकला से जुड़े हुए कार्य होते हैं, चाहे वो पेंटिंग प्रदर्शनी हो या वर्कशॉप हो या कोई व्याख्यान हो। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अहिवासी कला दीर्घा में रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आपकी अहम भागीदारी रही। तो आइए जानते हैं कि आपने अपनी प्रस्तुति किस तरह से वहां पे दी। नमस्कार, मैं मिठाई लाल और अभी दृष्टकला संकाय में ग्रुप प्रदर्शनी चल रही है शोध छात्रों की, और हमारे साथ में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी और एक कुशल चित्रकार विभा वैद्य जी है, जो यहाँ पे डिप्लोमा क्लासेस करती हैं और तमाम तरह की जो पेंटिंगें हैं उनको भी बनाती हैं, और आप जो हैं तमाम कला प्रदर्शनियों में भी जा रही हैं इस समय, और मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रोज़ आ रही हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैम, तो आप बताइए कि आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग एग्जीबिशंस में जाना, क्योंकि मैं भी कला की प्रेमी हूँ, और यहाँ जब मैं इस एग्जीबिशन में आई, सारे आर्ट पीसेस को मैंने देखा, तो सभी अपने आप में बहुत बेजोड़ और क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा नमूना देखने को मुझे मिला। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। यहाँ सबने अपनी इमेजिनेशन को और अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैनवास पे उतारा है, जो देखने में बहुत एक सब्जेक्ट को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी में ये दिखाया गया है कि नारी के ऊपर चित्रण किया गया, वो अपने लाइफ में कैसे वो स्ट्रगल करती है, बहुत चीज़ों से जूझती है, उसको प्रदर्शित किया गया है। कुछ पेंटिंग में, कुछ जैसे कि मिठाई लाल की पेंटिंग में, वो अपनी कल्पना को कैसे वो उतारा है अपने कैनवास पे, ये देखने को मिला है। और बहुत दीपक कुमार की पेंटिंग है वो, जिसमें कि इचिंग टेक्निक और लिथोग्राफी का इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी मेहनत से वो आर्ट पीस तैयार हुए हैं और मैं उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और क्रिएटिविटी और एक फीमेल का जो लाइफ स्ट्रगलिंग है, उस चीज़ को यहाँ पे इसी सब्जेक्ट को रखा है आप सभी ने, यहाँ पे जो दिखाया है आप सबने। तो आज के एग्जीबिशन की स्ट्राइकिंग फीचर यही है कि आपने लाइफ के ऊपर जो होते हैं, उन्हें हमें लाइफ में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी होती है, और आपकी कल्पना ये सब आप देखने को मुझे मिली है। मैं बहुत पसंद की हूँ मैं इस एग्जीबिशन को, और मैं 3 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ आकर के, और सभी बहुत अच्छे अपने आप में, और आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे आप बहुत अच्छे कलाकार बहुत आगे ऊंचाइयों पर जाएं और बहुत अच्छा करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मैं बता दूँ कि मैम जो है वो बहुत अच्छा गीत भी गाती हैं, तो हमारी इच्छा है कि मैम एक छोटा सा जो है वो गीत हम लोगों को सुनाए। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, समा है दीदार का, किसी के इंतजार।
चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का, ये समा समा है ये प्यार का। तो आपने सुना कि मैम ने बहुत ही सुंदर गीत भी सुना दिया हम लोगों को, और ये जो प्रदर्शनी है उसका ये आखिरी दिन है और आखिरी क्षण है, अभी आधे घंटे में बंद हो जाएगी, तो इसका शुभारंभ भी और इसका जो समापन है वो भी आपके सुंदर मोहक गीत से हुआ है। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम कि आप इस प्रदर्शनी की एक अहम हिस्सा बनी और हम लोगों का हौसला बढ़ाई, धन्यवाद। थैंक यू और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।